तो भाई आज हमें बोल्ट ने भेजा है अपना बोल्ट ऑडियो X60 ईयरबड्स। अब भाई इन ईयरबड्स की खास बात यह है कि ये आते हैं ANC के साथ में 45 ms की लो लेटेंसी देखने को मिलती है। कॉलिंग के लिए इन ईयरबड्स के अंदर आपको कॉर्ड माइक देखने को मिलता है, 30 घंटे तक का बैटरी बैकअप देखने को मिलता है और भी IP रेटिंग भी देखने को मिलती है, मतलब ढेर सारे फीचर्स मिलते हैं। तो वो सारी चीजें इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। साथ में क्या ये इस प्राइस के ऊपर बेस्ट हो जाता है, चलिए जानते हैं। और क्या ये इस प्राइस को जस्टिफाई करता है, वो सारी चीजें जानने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेना। गाइस वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट होगी भाई ऐसी वीडियोस हम लेकर आते रहेंगे, उसके लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो बनता है। भाई वीडियो को स्टार्ट करके सबसे पहले तो हम बॉक्स पैकेजिंग की बात करेंगे, तो यहां पर बहुत ही क्विक अनबॉक्स कर लेते हैं। तो बॉक्स के ऊपर कुछ इस तरीके से रैपर चढ़ा हुआ है, इसे हम निकाल लेते हैं। निकालते ही भाई आपको बोल्ट ऑडियो X60 का सामने ब्रांडिंग देखने को मिलता है, आपको ईयरबड्स बने हुए मिलते हैं। नीचे सबसे कमाल की चीज है कि भाई मेड इन इंडिया, आप देख सकते हो इंडिया के अंदर बना हुआ है, तो ये भी काफी अच्छा इनिशिएटिव है ब्रांड की तरफ से। राइट साइड में लिखा हुआ है भाई लाइक नेवर बिफोर और ऊपर बोल्ट की ब्रांडिंग मिलती है। साथ में पीछे आपको हाइलाइटिंग फीचर मेंशन किए गए जो कि इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। ओवरऑल जो बॉक्स का पैकेजिंग है या ओपन करते हुए जो एक्सपीरियंस है वो काफी अच्छा लगता है गाइस। बॉक्स को ओपन करते ही ऊपर एक पाउच मिलती है जहां पर सबसे पहले आपको मिलता है एक वारंटी कार्ड, जहां पर आपको 15 मंथ तक की वारंटी देखने को मिलती है अगर आप इसे स्कैन करके क्लेम कर लेते हो तो, जो कि काफी अच्छी चीज है। साथ में आपको यूजर मैनुअल देखने को मिलता है। अब इसके अंदर आपको सारे टच एंड कंट्रोल बटन कंट्रोल आपको देखने को मिल जाते हैं, बट इस वीडियो के अंदर वो बताने वाला हूं तो इसको भी हम स्किप करते हैं। भाई यहां पर देख सकते हो एसेसरी बॉक्स देखने को मिलता है, छोटा सा बॉक्स है, काफी क्यूट लगता है। इसके अंदर आपको ना टाइप सी वाला एक केबल देखने को मिलता है, दैट मींस कि ये जो ईयरबड है ना वो टाइप सी सपोर्टेड है, तो बहुत ही अच्छी चीज है इस प्राइस के ऊपर। साथ में यहां पर आपको कुछ एक्स्ट्रा ईयर टिप्स देखने को मिलते हैं, आप अपने यूजर्स के हिसाब से यूज कर सकते हो। सब कुछ साइड रखते हैं भाई, बात करते हैं फाइनली हम अपने ईयरबड के केस के बारे में। और ये मुझे ब्लू कलर में रिसीव हुआ है, आपको ब्लैक एंड ब्लू दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं। तो भाई सबसे पहले तो ईयरबड के केस के बारे में बात करना चाहेंगे, तो ये डिसेंट क्वालिटी के प्लास्टिक बेल्ट के साथ में आता है, मैट फिनिश के साथ में आता है। और यहां पर सामने ही आपको बोल्ट की ब्रांडिंग मिलती है, उसके नीचे आपको एक टेक्सचर वाली फिनिश देखने को मिलती है राउंडेड, जो कि काफी अच्छा ग्रिप बनाता है और अगर आप हाथ में पकड़ते हो तो बहुत ही हल्का कंफर्टेबल सा फील होता है। और केस में नीचे ही आप देख सकते हो कि यहां पर चार बैटरी इंडिकेटर देखने को मिलते हैं। अब जैसे जैसे बैटरी कम होगी यहां पर ये इंडिकेट कर देगा, या फिर जितनी चार्ज होगी वो इंडिकेट कर देगा। साथ में नीचे आपको टाइप सी वाला पोर्ट देखने को मिलता है। फाइनली इसे ओपन करते हैं और बात करते हैं हम अपने सबसे इंपॉर्टेंट ईयरबड्स के बारे में। और भाई ओपन करते ही मैंने एक चीज फील की है कि मैग्नेटिक है, मतलब ये जो कैप है ना वो भी मैग्नेटिक है और साथ में ये जो ईयरबड्स है ना ये भी मैग्नेटिकली कनेक्ट रहते हैं, तो अगर आप ऐसे ऐसे हिलाते हो फिर भी ये नीचे नहीं गिरने वाले हैं, तो ये काफी अच्छी चीज है। और भाई जैसे ही मैंने इसे ओपन किया देख सकते हो राइट और लेफ्ट की ब्रांडिंग यहां पर भी मिलती है, जिससे आप समझ सकते हो कि भाई राइट कौन सा है और लेफ्ट कौन सा है और बहुत ही इजीली आप एडजस्ट कर सकते हो। ईयरबड्स को निकालते ही मैंने अपने कानों में लगा लिया और लगाने के बाद मैं यहां पर चेक कर रहा था कि भाई ये निकल तो नहीं रहा है। मैंने बहुत हैवी यूज करे, बाहर भी मैं ऐसे यूज कर रहा था तो मुझे किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं मिली। और हाँ, अगर आप लंबे टाइम तक सॉन्ग को प्ले करते हो या फिर लंबे टाइम तक इसे यूज करते हो तो ईयर में किसी भी तरीके का पेन या फिर किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं देखने को मिला है नॉर्मली। अब भाई इन ईयरबड्स को निकाल के हमने सबसे पहले फोन से कनेक्ट करा तो यहां पर आपको ब्लूटूथ वर्जन 5.3 का सपोर्ट देखने को मिलता है, तो यहां पर कनेक्टिविटी में किसी भी तरीके की इशू नहीं आई, बहुत ही फास्ट कनेक्ट हो गया। साथ में कनेक्ट करने के बाद अगर हम बात करें इनके कंट्रोल्स के बारे में तो यहां पर आपको फुल टच कंट्रोल मिलता है, यानी टच कंट्रोल दिया गया है जो कि काफी अच्छे से वर्क करता है, अच्छा रिस्पॉन्सिव है। साथ में यहां पर अगर कंट्रोल्स की बात करें ना तो अगर आप इस पर सिंगल टैप करते हो तो आप गाने को प्ले या फिर पॉज कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप राइट ईयरबड पर डबल टैप करते हो तो नेक्स्ट कर सकते हो, और भाई अगर आप लेफ्ट ईयरबड पर डबल टैप करते हो तो प्रीवियस सॉन्ग को प्ले कर सकते हो। और ऐसे ही अगर आपको ईयरबड से ही वॉल्यूम को बढ़ाना है तो आपको 3 बार टैप करना होगा राइट से, और वॉल्यूम को घटाना है तो आपको 3 बार टैप करना होगा इस लेफ्ट ईयरबड से। और ऐसे ही अगर आपको कॉल आता है तो आप सिंगल टैप में कॉल को उठा सकते हो, और डबल टैप कर दोगे तो यहां पर कॉल कट हो जाने वाला है। इसके अलावा इन ईयरबड्स के साथ में ANC और वॉइस असिस्टेंट का फीचर देखने को मिलता है। तो कैसे वर्क करता है, तो भाई अगर आप 2 सेकंड तक यहां पर प्रेस एंड होल्ड करके रखते हो तो वॉइस असिस्टेंट ऑन हो जाता है, जिसके बाद में हम कमांड कर सकते हो। और भाई अगर आप ना यहां पर राइट वाले ईयरबड पे सबको लॉन्ग प्रेस करके रखना है वो आपको ईयरबड में सुनाई दे देगा कि भाई यहां पर ANC है या फिर ट्रांसपेरेंसी है या फिर नॉर्मल मोड पे है। ANC को जितना मैं बोलूं ना कि डिसेंट वर्क करता है, आप अगर एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन सोच रहे हो तो हाँ इसमें मिलती है, जो कि आपको डिसेंट वर्क करता हुआ दिख जाएगा। साथ में भाई यहां पर आपको 45 ms की लो लेटेंसी देखने को मिलती है, उसका क्या यानी कि गेमिंग के टाइम पे आपको क्या लेटेंसी देखने को मिलती है, तो भाई इसमें मैंने गेमिंग करा और लंबे टाइम तक करा, और एक्चुअल में मैंने जो गेमिंग करी है वो आपको दिखाता हूं, आप वो साउंड सुन लो कि आपको कितनी लेटेंसी देखने को मिलती है। और ओवरऑल गेमिंग को लेकर अगर आप इन ईयरबड्स को सोच रहे हो ना तो 45 ms की लो लेटेंसी वर्क करती है और अच्छा वर्क करता है। इसके अलावा ये IPX5 रेटिंग के साथ में आते हैं, तो स्प्लैश प्रूफ और वाटर रेजिस्टेंस हो जाता है, तो नॉर्मल पसीने वगैरह से छिट्टे वगैरह के पानी से कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। लेकिन भाई फाइनली बात करते हैं इनके साउंड क्वालिटी के बारे में, बिकॉज 13 mm के डायनेमिक ड्राइवर देखने को मिलते हैं और एक्चुअल में वो डायनेमिक ड्राइवर वर्क भी कर रहे हैं, मतलब भाई आपको तगड़ा बेस देखने को मिल रहा है। साथ में यहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंटल सेपरेशन है या फिर यहाँ पर जो वोकल्स हैं या फिर ओवरऑल जो साउंड की क्वालिटी है ना वो काफी अच्छी देखने को मिलती है, लाउड साउंड देखने को मिलते हैं
है। और हाँ, अगर आप वॉल्यूम को बढ़ा रहे हो ना, तो ऐसा नहीं है कि डिस्टॉर्शन देखने को मिल रही है, फिर साउंड में किसी तरीके की अनक्लैरिटी है। ओवरऑल एक अच्छा खासा साउंड क्वालिटी भी आपको ये प्रोवाइड करा देता है। लेकिन भाई फाइनली हम बात करना चाहेंगे इन ईयरबड्स की बैटरी लाइफ और बैटरी बैकअप के बारे में। तो भाई देखो, यहाँ पर ब्रांड क्लेम करती है कि 30 आवर्स का आपको प्लेबैक देखने को मिलता है, बैटरी बैकअप देखने को मिलता है केस के साथ में, मतलब एक बार आप चार्ज कर लेते हो तो 30 घंटा चलने वाला है। और एक्चुअल में मैंने जितना टेस्ट अभी तक करा है, बहुत ज्यादा तो नहीं करा, तो उसमें मुझे देखने को मिला कि लगभग 25 से 30 घंटे का आउटपुट ये आराम से निकाल कर दे देता है। और अगर आप इन ईयरबड्स को एक बार फुली चार्ज कर लेते हो ना, तो 5 से 7 घंटे का बैटरी बैकअप बहुत ही आराम से दे देते हैं। अगर आप केस को चार्ज कर लेते हो तो मुझे लगता है कि आपको 3 से 4 बार इसे चार्ज करके रख देने वाला है। लेकिन भाई जो ओवरऑल बैटरी बैकअप होती है ना, वो थोड़ा ज्यादा और कम हो सकता है आपके यूजेस पे। लेकिन भाई अब हम बात करते हैं इसके कॉल क्वालिटी के बारे में, बोले तो माइक के बारे में। तो यहाँ पर कंपनी ने 4 माइक का यूज किया, यानी क्वाड माइक लगाए हैं। लेकिन भाई मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो कॉल क्वालिटी थी ना, वो इंडोर में काफी तगड़ी है। आपको आराम से सामने वाली की बात सुनाई देती है और उसको आपकी बहुत ही क्लियर वॉइस सुनाई देती है नॉर्मल बोलने पर। लेकिन भाई अगर आप आउटडोर होते हो ना, तो उतनी तगड़ी नहीं, बट हाँ डिसेंट आपको साउंड क्वालिटी मिल जाती है सामने या फिर उसको सुनने में। सभी चीजों पर अगर देखें ना, तो जिनको अगर म्यूजिक भी पसंद है, साथ में गेमिंग भी करना है और ओवरऑल लंबी बैटरी बैकअप चाहिए और एक अच्छी ब्रांड वैल्यू के साथ में, तो डेफिनेटली इसके साइड जा सकते हो। इस प्राइस के ऊपर जस्टिफाई करता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो को लाइक कर देना, ऐसी कमाल की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। मिलते हैं एक और कमाल वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखना।